रामगढ़ में यूपीए अब तक बाजी मारता रहा है। एनडीए के लिए है जीत की चुनौती। उपचुनाव की घोषणा हो गई है, 27 फरवरी को चुनाव होना है। झारखंड की राजनीति में सभी ने अपना पासा फेंक दिया है। वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल में यह 5वां उपचुनाव होगा। यूपीए ने अपनी सीटों पर कब्जा बरकरार रखा है। दुमका बेरमो का उपचुनाव सांत दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सीट खाली की थी, जिस पर उनके छोटे भाई बसंत सोरेन ने जीत हासिल की थी। तो उधर बेरवा में कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह की मौत के बाद खाली हुई सीट पर उनके बेटे अनूप ने कब्जा जमाया। दोनों ही सीटों पर एनडीए को हार मिली। वहीं मधुपुर विधानसभा सीट में पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद उनके बेटे हफीजुल अंसारी ने जीत हासिल कर मंत्रिमंडल में भी जगह पाई। बंधु तिर्की को सजा होने के बाद खाली हुए इस सीट पर बंधुओं ने फिर से ताकत दिखाया। यहां के उपचुनाव में बंधु तिर्की की बेटी नेहा शिल्पी जीती। अब रामगढ़ के कांग्रेस की सीट खाली हुई है, उनको एक बार फिर से साख बचाना होगा। वहीं एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है, इस सीट पर आसू की दावेदारी मजबूत है। रामगढ़ आसू की परंपरागत सीट है, यहां से चंद्रप्रकाश चौधरी लगातार 3 बार जीत चुके हैं। इस चुनाव में आसू को अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए जोर लगाना होगा। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी का कहना है कि मौजूदा समय में यूपीए गठबंधन की सरकार चल रही है और पार्टी का जो भी निर्णय होगा वह सर्वोपरि होगा। झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि हमारी तैयारी पहले से है, जीत हमारा लक्ष्य है। यूपीए तक एक बार फिर अपनी ताकत रामगढ़ में दिखाएगी। नेशनल चैनल है जी। देखिए, उनका काम था, जनता का उनको समर्थन मिला था, तभी तो वो जीत कर आई थी, जनता के बीच रही। और अब भी उन पर जो भी आरोप लगे हैं वो जनता के लिए ही लगे हैं, उनका व्यक्तिगत मसला तो था नहीं। और हम लोगों को ये भरोसा है कि आने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्याय होगा उनके साथ, निश्चित रूप से वो बरी होंगी। और अभी फिलहाल जो भी खड़ा होना चाहते हैं ऐसे ही कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा जिन पर जनता का भरोसा है। जनता आजकल के समय में वो भी समझदार हैं, ऐसे लोगों को ही वोट करती है जो उनके लिए काम करे, हमेशा उनके लिए खड़े रहें। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे गठबंधन को ही जनता फिर से चुनेगी, गठबंधन सरकार। और उस निमित्त हम लोगों ने जो बैठक की थी अभी, पीएसी की बैठक रामगढ़ में, तो उस पर चर्चा हुई थी और हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। चूंकि हमारी नेता जो हैं वहाँ और विधायक रही ममता देवी आंदोलन के केस में जेल गई हैं, तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि जो विस्थापन की लड़ाई लड़ रही थी वो ऐसे नेता को जानबूझ करके पिछले जो डबल इंजन की सरकार थी उसने जेल में डाला है, और वो कांग्रेस की विधायक थी। तो पूरे रामगढ़ के लोगों के मन में एक बात है कि हम लोगों ने जिसको विधायक बनाया था, आंदोलन की उपज थी, और उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने महिला होने के बावजूद इस तरह के मुकदमे तय किए जिसके कारण आज उन्हें 5 वर्षों की सजा हो गई। तो हम ये समझते हैं कि जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, वो फैसला लेगी, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे कार्य समिति की बैठक हो, पीएसी की बैठक हुई, सब में जोरदार तरीके से चर्चा हुई है और पूरा प्रदेश ये संकल्पित है।